हे माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ फ्री ऑनलाइन मेकअप कोर्स। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कंटूर के बारे में, ऑल अबाउट कंटूर, डिफरेंस बिटवीन कंटूर एंड ब्रॉन्जर, कि क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कब अप्लाई करना चाहिए, किस लिए अप्लाई करना चाहिए, व्हेन एंड हाउ टू यूज इट, और इसको कौन सा, कितने प्रकार के कंटूर होते हैं, उसका फॉर्मूलेशन क्या होता है, कब और कैसे यूज करना चाहिए, ये सारा चीज मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और इस लुक का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो वो भी आप देख सकते हो। अभी फिलहाल तो मैंने फैन वैन बंद करके मैं शूट कर रही हूँ ना, तो मुझे तो बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, और ये नेचुरल है। देखो, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल गर्मी में रहोगे और आप चाहोगे कि जो आपका नेचुरल मतलब स्वेटिंग है वो रुक जाए, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ कंटूर के, कितने प्रकार के होते हैं। पहला तो देखिए, ये जो एक क्रीम वाला होता है, क्रीम फॉर्मुलेशन का होता है कंटूर, ठीक है। एक होता है लिक्विड में, जैसे लिक्विड कंसीलर वगैरह होता है ना, तो उसी में आपको डार्क शेड मिलेंगे जो कंटूर का काम करता है। तो एक हो गया, दूसरा हो गया लिक्विड वाला। तीसरा होता है जो पाउडर फॉर्म में होता है, इस तरीके का होता है। तो तीन फॉर्म में होता है, लिक्विड, क्रीम एंड पाउडर फॉर्म में। अब मैं बताऊंगी कि क्रीम वाला कंटूर जो है वो कब यूज होता है, और जो पाउडर वाला है वो कब यूज होता है, और लिक्विड वाला कब यूज होता है। तो जब हम लोग फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं ना, तो जो हमारा क्रीम या लिक्विड वाला जो कंटूर है वो हम लोग उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जब तक हम लोग, मतलब देखिए, पहले हम लोग सीटीएम करते हैं, फिर प्राइमर, फिर कलर करेक्शन, फिर फाउंडेशन, उसके बाद कंसीलर लगाते हैं ना, तो उसके बाद आपको लिक्विड या क्रीम वाला जो भी कंटूर है वो आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको पाउडर से सेट करना होगा, उसके बाद ही आप पाउडर फॉर्म वाली चीजें लगा सकते हो। लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आप पाउडर एप्लीकेशन कर लोगे तो उसके बाद आप लिक्विड या क्रीम वाला कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा पाओगे। वो चाहे आपका ब्लश हो, या फिर कंटूर हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, या फिर हाइलाइटर हो, वो आप पाउडर एप्लीकेशन के बाद नहीं लगा सकते हो। पाउडर एप्लीकेशन के बाद आप सिर्फ पाउडर वाला ही फॉर्म वाला चीज़ें लगा सकते हो, और लिक्विड या क्रीम वाले नहीं लगा सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फाउंडेशन के बाद हम लोगों को क्रीम या लिक्विड का जो भी कंटूर है वो इसको यूज करना है। पाउडर वाला कंटूर आपको तब यूज करना है, कंटूर या ब्रॉन्जर, जब हम लोग पाउडर से सेट कर लेते हैं बेस को, उसके बाद हम लोग पाउडर का बेस देते हैं। तो मैंने दो चीजें बता दी कि टाइप्स ऑफ कंटूर, कि कितने प्रकार के कंटूर होते हैं, लिक्विड, क्रीम एंड पाउडर, और कहाँ कब यूज करना है वो भी मैंने बता दिया, कि जब पाउडर एप्लीकेशन नहीं करते हैं जब तक फाउंडेशन के बाद हम लोग को क्रीम और लिक्विड वाला लगाना है, और जब हम लोग पाउडर सेटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद फिर पाउडर कंटूर का यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा शेड कौन से स्किन टोन पे जाएगा। तो इसमें आपको अलग अलग शेड दिख रहे हैं ना, तो ये वाला जो शेड है ये आपको मीडियम टू फेयर स्किन पे चला जाएगा। मतलब कैसे होता है कि जो हमारा मीडियम टू फेयर स्किन होता है वो थोड़ा फेयर होता है, तो उस पर आप ज्यादा डार्क नहीं लगा सकते हो, क्योंकि हम लोग को थोड़ा नेचुरल दिखाना होता है। अगर आपको कैमरा के लिए सिर्फ शूट करना है, मॉडल पे शूट करना है, तो कैमरा फ्रेंडली शूट करना है, तो उसके लिए आपको कैमरा पर करना पड़ेगा। ज्यादा आप डार्क दोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप नेचुरली किसी का मेकअप कर रहे हो तो आपको ज्यादा डार्क कंटूर का शेड नहीं लेना है। और जो डार्क स्किन वाले होंगे उनके लिए डार्क शेड चला जाएगा, उनके लिए तो हर चीज, जो चीज डार्क हो वो उनपे अच्छा लगता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो मीडियम टू फेयर वाले होंगे उनके ऊपर ये जाएगा, या फिर ये दोनों मिक्स करके भी लगा सकते हो, लेकिन जो डार्क स्किन वाले होंगे वो सिर्फ डार्क शेड वाला ही उनके ऊपर यूज होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि ब्रॉन्जर और कंटूर में क्या डिफरेंस है। ब्रॉन्जर हम लोग यूज करते हैं सनकिस्ट लुक के लिए यूज करते हैं, जो ज्यादातर इंडिया में यूज नहीं होता है, वो मतलब फॉरेन कंट्री वाले लोग करना पसंद करते हैं, तो वो लोग करते हैं, ठीक है। अब इसमें देख रहे हो, इसमें कोई भी ऑरेंज टिंट नहीं है, लेकिन जो ब्रॉन्जर होता है ना ये थोड़ा ग्रेइश टाइप में होता है। जो हम लोग का कंटूर होता है वो ग्रेइश उसका शेड होता है, ग्रेइश शेड होता है, लेकिन जो ब्रॉन्जर होता है ना वो थोड़ा सा ऑरेंजिश टाइप में होता है, पीचिश टाइप में, जो कि सनकिस्ट लुक के लिए अच्छा लगता है। तो आई होप दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको सिर्फ सनकिस्ट लुक चाहिए तो आप ब्रॉन्जर अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको कंटूरिंग करनी है तो आपको ये यूज करना पड़ेगा।
आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि कितने प्रकार के कॉन्टोर होते हैं, कब कौन सा कॉन्टोर यूज करना है, पाउडर वाला कब यूज करना है, लिक्विड क्रीम वाला कब यूज करना है, ब्रॉन्जर और कॉन्टोर में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने बता दिया, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। कौन से स्किन टोन पे कैसा शेड का चाहिए आपको कॉन्टोर अप्लाई करना चाहिए वो भी क्लियर हो गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज जितना हो सके उतना लोगों को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग फ्री ऑनलाइन प्रोफेशनल मेकअप कोर्स का लाभ उठा सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी ना, अगर हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।